10 साल में जो अभी प्रेजेंट की सरकार है वो कितना अच्छा काम किए, अच्छा काम किए तो निश्चित तौर पर उनके साथ सोचेंगे जाने के, अगर वो अच्छा काम नहीं किए तो निश्चित तौर पर सोचेंगे विपक्ष में रहकर और उनको मजबूत करके उनको भी जन समय मौका मिले। पार्टी के लोगों से भी राय विचार लिया जा रहा है तो नवंबर में जाके हम अपनी पता खोलेंगे। तो अभी संगठन पे लगे हुए हैं, तीनों राज्य में मेहनत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तीनों प्रदेश में काम कर रहे हैं और हम लोग तो जीरो से यहाँ आए हैं। कोई विरासत में तो दिया मिला नहीं पार्टी और संगठन कि बाबूजी के नाम पे हम लोग राजनीति कर रहे हैं। अपने दम पर मेहनत से मजदूरी करके मुंबई जैसे शहर में जगह बनाए, बिहार में आके आज संघर्ष कर रहे हैं, एक एक लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनके उम्मीद पे मैं खड़ा हो रहा हूँ। तो अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 24 में चुनाव होगा तो गठबंधन की राजनीति अभी देश में हो रही है, हम भी गठबंधन करेंगे, लेकिन हम नवंबर में डिसीजन लेंगे कि किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। क्या जो पार्टी आज सत्ता में है और वो उन्होंने युवा से जो रोजगार का वादा किए वो पूरा किए कि नहीं किए, किसान के साथ जो वादा किए वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये तमाम विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि 10 साल में जो अभी प्रेजेंट की सरकार है वो कितना अच्छा काम किए, अच्छा काम किए तो निश्चित तौर पर उनके साथ सोचेंगे जाने का, अगर वो अच्छा काम नहीं किए तो निश्चित तौर पर सोचेंगे विपक्ष में रहकर और उनको मजबूत करके उनको भी जन समय मौका मिले। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं, पार्टी के लोगों से भी राय विचार लिया जा रहा है तो नवंबर में जाके हम अपनी पता खोलेंगे। अभी तो हम लोग पूरे बिहार में हर ब्लॉक में हर जिला में जाके कार्यक्रम करके अपने लोगों को जागरूक करेंगे और आज बाबा साहब का जयंती है तो इस अवसर पर आज कैमूर जिला में कार्यक्रम है तो वहाँ पे जा रहा हूँ कि आज हमारे बाबा साहब ने बहुत कुछ हम लोगों को दिया है उसके बीच में। तो ये बात सही है कि देश में विपक्ष जो है वो हमेशा मजबूत होना चाहिए, चाहे सरकार किसका भी क्यों ना हो, चाहे हमारा हो या किसी और का सरकार हो, तो देश में विपक्ष जो है हमेशा मजबूत होना चाहिए और जब विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार जो है ना वो तानाशाह नहीं होगा। और ये अगर प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष को अगर मजबूत करने के लिए तो निश्चित तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है सरकार अपना काम कर रहे हैं वो जनता के बीच में रखेंगे और क्या गलत कर रहे हैं या क्या काम नहीं कर रहे हैं ये काम विपक्ष का होता है। और विपक्ष जो है वो अटल जी कहा करते थे कि विपक्ष जो है हमारी तीसरी आँख होता है, जो हम नहीं देख पाते वो हमें विपक्ष दिखाते हैं। लेकिन आज के समय में ये मान लीजिए कि विपक्ष को है ना अपना दुश्मन मानते लोग, खास करके अटल जी जो बात रखते थे उस बात को आज मान नहीं रहे। आज विपक्ष को कैसे भी ख़त्म करना है, आज हम लोग बताइए कि ये गरीब पिछड़ा समाज से आते हैं, आज़ादी के 75 साल बाद अपने पैर पर खड़ा हुए और 4 को विधायक बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से विधायक को लोगों ने खरीद लिया, पार्टी को तोड़ दिया। तो देश के लिए खूबसूरती ये नहीं है, देश में सब लोग मिलकर काम करना चाहिए। एक व्यक्ति से एक घर नहीं संभालता वो देश क्या संभाल लेगा। तो इसलिए पूरे देश में बहुत सारे नेता होना चाहिए, बहुत सारा पार्टियां होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए और ये काम अभी के टाइम में खास करके नहीं दिख रहा है। और ये काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो मानता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं, विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए।